बालों में तेल नहीं ये लगाए, न कभी बाल झड़ेंगे, न होगी कभी डैंड्रफ, बाल होंगे चमकदार व लंबे बाउंसी हेयर। जी हाँ दोस्तों, आज हम राइस फ्लोर का इस्तेमाल करके बालों की सभी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाने वाले हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे, झड़ रहे, या आपके बालों के अंदर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन सभी प्रॉब्लम को किस तरीके से रिमूव करना है, तो इस वीडियो पर बने रहना एंड तक बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको राइस फ्लोर को 2 स्पून एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम राइस के फायदे की, जो हम इसका आटा यूज कर रहे हैं। राइस फ्लोर के अंदर ऐसे एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट पाए गए जो आपके बालों में से ड्राइनेस को, डैमेज बाल को रिपेयर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसके अंदर एमिनो एसिड है वो आपके बालों में से स्केल्प पे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, बालों को नरिश करते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। बहुत ही फायदे होते हैं राइस फ्लोर के। राइस फ्लोर की मदद से आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बाल की ग्रोथ अटक गई है, बाल बढ़ने का नाम नहीं लेते, तो उन केसेस में आप राइस फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको एक बाउल के अंदर 2 स्पून राइस फ्लोर निकाल लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना है, वो है मिल्क। दोस्तों मिल्क इतना ऐड करना है ताकि अच्छे से क्रीम पेस्ट तैयार हो। मिल्क के हम फायदे की बात करेंगे तो मिल्क के अंदर पोटेशियम है, बायोटिन है, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और आपके बालों में से ड्राइनेस को रिमूव करते हैं। अगर आपके बाल जल गए, आपने कोई हीट का इस्तेमाल कर लिया हाई टेम्परेचर पर, तो आपके बालों को जलने से प्रोटेक्ट करेगा ये मिल्क। जी हाँ दोस्तों, मिल्क आपके स्प्लिट एंड्स को भी कम करता है। मिल्क बाल में से ड्राइनेस को एलिमिनेट करता है और आपकी स्केल्प को हेल्दियर रखता है। बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिल्क इतना मिनरल राइस फ्लोर के अंदर ताकि अच्छे से एक स्मूथनिंग क्रीम तैयार दिखाई दे। अब आपको उसके अंदर तीसरी और लास्ट चीज़ ऐड करना है, वो है हनी। दोस्तों हनी आपको 1 स्पून मिला देना है। हनी आपके बालों को ब्राइटन बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो बालों में से कर्लीपन को, फ्रिजनेस को एलिमिनेट करने के लिए हनी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। हनी आपको 1 स्पून इन दोनों चीज़ों के अंदर ऐड कर देना है। अब आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। राइस फ्लोर 2 स्पून लिए और मिल्क इतना मिलाया ताकि स्मूथनिंग क्रीम तैयार हुई और उसमें हमने 1 स्पून हनी को मिला दिया। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बात करिए इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपको सबसे पहले शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपको बालों को ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से बाल सूख जाए, तब इस क्रीम का एप्लीकेशन आपको पूरे बालों पर करना है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ड्राई ब्रश की मदद से आपको लगाना पूरे बालों पर और बालों को शावर कैप से ओढ़ लेना है, बिल्कुल पैक कर लेना है, कवर कर लेना है, और उसके बाद आप 30 मिनट के बाद बालों को क्लीन कर सकते हो नॉर्मल वाटर से या लुकवॉर्म वाटर से। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल वीक में 3 बार कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए।